नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत फ्रॉम रॉयल्स रिव्यू ब्लॉग। और आज हम रिव्यू करेंगे होंडा हॉर्नेट CB160R। ये बाइक FZ150, अपाची RTR160 और जिक्सर जैसे बाइक्स के बाद लॉन्च हुए थे। इसका मतलब है कि उन सब बाइक्स में जो खामियां थी उससे इंस्पायर्ड होकर ये बाइक ऑलमोस्ट एक परफेक्ट बाइक है अगर आप देखें तो आइए देखते हैं इस बाइक का क्या क्या फीचर्स है और ये आप क्यों खरीदेंगे। तो ये बाइक एक मस्कुलर बाइक है और नेकेड स्ट्रीट स्पोर्ट कैटेगरी में पड़ता है। अगर आप इसके हेडलैम्प को देखें तो इसका एक पावरफुल हेडलैम्प है विद 2 LED पायलट लैम्प्स और सामने वाला वाइजर ब्लैक है। अगर आप इसका पेट्रोल टैंक को देखें तो ये एक मस्कुलर पेट्रोल टैंक है और 12 लीटर का टैंक है। ये बाइक का फ्रंट जो सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपिक है और इसका हैंडल बार सिंगल है, सिंगल पीस हैंडल बार है। इसका जो मिरर्स है वो भी अच्छे क्वालिटी का है और क्लियर लेंस इंडिकेटर्स है। मीटर मैं आपको इस वीडियो का अंत में दिखाऊंगा। स्विच गियर को अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा लेट डाउन है कि इंजन किल स्विच नहीं मिल रहा और BS4 और AHO यानी कि ऑटो हेडलैम्प ऑन होने की वजह से आपको हेडलैम्प ऑन ऑफ का स्विच नहीं मिलेगा। और अगर आप इंजन में आते हैं तो इसका इंजन है BS4 एयर कूल 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन और ये पावर जनरेट करता है 15.04 PS एट 8500 RPM और मैक्स टॉर्क इसका है 14.76 न्यूटन मीटर्स एट 6500 RPM और 5-स्पीड गियर बॉक्स के साथ ही दिया गया है और गियर पैटर्न है 1 डाउन एंड 4 अप। तो एक पावरफुल बाइक हुआ। तो और इसमें एक सिंगल सीट लेआउट है जो 2 आदमी को आराम से ये बिठा सकता है। और देखिए तो इस बाइक का टायर साइज जो फ्रंट का है वो है 17 इंच टायर है 100x80 और इसका पीछे का टायर है 140x70। बहुत ही मोटी टायर दिया गया है पीछे और इसका जो अलॉय स्टाइल है बहुत ही अच्छा है और शायद इस बाइक का सबसे खास बात में से एक है। अगर ब्रेक्स देखा जाए तो ये 2 वेरिएंट में आता है। एक तो पीछे ड्रम ब्रेक वेरिएंट 130mm का ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे और एक है CBS वेरिएंट यानी कि कॉम्बी ब्रेक सिस्टम जिसपे कि अगर आप बस पीछे की ब्रेक अप्लाई करें तो सामने वाला भी अप्लाइड होता है। ब्रेकिंग ड्यूटीज़ तो सामने वाला डिस्क है 276mm का और इसमें पेटल डिस्क यूज़ किया है कि अच्छा हीट डिसिपेशन हो। और पीछे वाला डिस्क 220mm डिस्क है, वहाँ पर भी पेडल डिस्क अप्लाई किया गया है। इसका कर्ब वेट ड्रम ब्रेक वेरिएंट का है 138kg और जो डिस्क CBS वेरिएंट है उसका है 140kg। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 164mm है जो कि काफ़ी है इंडियन रोड्स के लिए और व्हील बेस है 1346mm यानी कि हाई स्पीड स्टेबिलिटी आपको बहुत अच्छी तरह से मिलेगा। इसका लेंथ है 2041mm, विथ है 783mm और इसका हाइट है 167mm। इसका जो सस्पेंशन है वो बैक में मोनोशॉक गैस वाला सस्पेंशन है और सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यूज़ किया गया है। पीछे वाला सस्पेंशन 5 बार आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसका पीछे रिफ्लेक्टर भी दिया गया है और पीछे का जो इंडिकेटर्स है वो भी क्लियर लेंस इंडिकेटर्स है और जो ग्रैब रेल आपको मिल रहा है वो भी बहुत स्टाइलिश है। इस बाइक में ग्राफिक्स का यूज़ किया गया है जो पहले वाला हॉर्नेट में नहीं था, बहुत ही स्टाइलिश ग्राफिक्स यूज़ किया गया है। और इसमें HET एक टेक्नोलॉजी है जो कि है होंडा इको टेक्नोलॉजी, तो इसके हिसाब से आपको अच्छा माइलेज मिलेगा विथ नो कॉम्प्रोमाइज ऑन पावर एंड टॉर्क। तो आइए आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर टोटली डिजिटल है। इसमें आपको मिलेगा एक स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल मीटर, एक क्लॉक, 2 ट्रिप मीटर्स और टोटल आप कितना किलोमीटर्स गए हैं और न्यूट्रल और इंडिकेटर्स। ये आपका ग्रीन वेरिएंट है जो कि बहुत अच्छा दिखता है और ब्लू वेरिएंट में भी ये उपलब्ध है, एक और कलर है। इसका ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता CBS वेरिएंट का है 98,371 और इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट का है 93,523। तो दोस्तों अगर आपको ये चैनल पसंद अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।